तुर्की में G20 सम्मेलन से पहले एक धमाका कर ISIS ने दुनिया के 20 देशों को चेतावनी दे दी है। दक्षिणी तुर्की के गाजेंटेप इलाके में बॉर्डर के पास ISIS के एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा डाला और ये धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस ने एक इमारत में छापा मारा। ये छापेमारी अंकारा में 102 लोगों की हत्या के सिलसिले में हो रही थी। गाजेंटेप अंटाल्या से 300 किलोमीटर दूर है। अंटाल्या में ही G20 सम्मेलन चल रहा है जहां दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। तो तुर्की में G20 सम्मेलन से पहले आखिर वही हुआ जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को हुए हमले के बाद आज तुर्की में एक आत्मघाती हमला हुआ। ISIS के एक आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये देखिए अंटाल्या जहां पर G20 सम्मेलन हो रहा है और गाजेंटेप, ये वो जगह जहां ये हमला हुआ, एक ISIS के आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ाया, 300 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये संदेश आतंकवादियों ने यहां पर एक बार फिर से दे दिया है। तुर्की की सरकारी एजेंसी के अनुसार ये आत्मघाती हमला सीरिया के साथ लगी सीमा पर हुआ है। एक 5 मंजिला अपार्टमेंट में यह हमला हुआ। अपार्टमेंट को ISIS अपने सेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर छापा मारा गया। अंटाल्या से ये 300 किलोमीटर दूर है, तुर्की में यह हमला हुआ है और छापेमारी के बाद एक आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा लिया है। और यह जिस इमारत में छापा मारा गया, ये बताया जा रहा है कि ये ISIS अपने स्लीपर सेल के लिए इस्तेमाल करता था। यह आत्मघाती हमला दक्षिणी तुर्की में हुआ है, फिदायिन हमला है और G20 सम्मेलन से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है।